खुशखबरी दी जाती दुनिया से। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF समेत तमाम मालियाती अदारों से बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुख्तलिफ आलमी अदारों के साथ मिलकर मुतअद्दिद मंसूबों पर काम कर रही है। पाकिस्तान कम अज कम 6 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम लेगा। कर्ज पर इत्तफाक भी हुआ तो इजाफी फाइनेंस की भी दरख्वास्त करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है और एजेंडे पर अमल पैरा होने के बाद बढ़ाती हुई तवज्जो मरकूज कर रही है। इस हवाले से तजारत में कमी के लिए इकदाम भी करेंगे। वजीर खजाना ने कहा कि रवां साल या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। CPEC चीन की वजह से शानदार मंसूबा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी मंसब से मुलाकात की जिसमें पाकिस्तान मौशी के लिए चीनी तामन को सराहा और CPEC फेज 2 पर काम करने के लिए तैयार हुए। हुकूमती अज़्म का अयादा भी किया। मुलाकात में वजीर खजाना और चीनी मंसब की जानिब से बैन-अल-अक़वामी अदारों में तामन जारी रखने की जरूरत पर इतफाक किया गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है की CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतल्लिक है जबकि दूसरा CPEC फेज 2 में इक्तिसादी रॉन्स की फालियत से मुतल्लिक होगा। पाकिस्तान माली साल 2025-26 के दौरान चीनी पांडा पान लॉन्च करना चाहता है। हाकान मुर्तजा को DG सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी के ओहदे से हटाकर चेयरमैन AOBIR यूनाती कर दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हाकान मुर्तजा को DG सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी के ओहदे से हटाकर चेयरमैन AOBIR तैनाती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम की जानिब से हाकान मुर्तजा को हटाने की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी सेक्रेटरी एसोसिएशन अंजुम को DG सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी के ओहदे का साफी चार्ज दे दिया गया।